इतिहाद बिल्कॉन का सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट। इतिहाद बिल्कॉन पिछले 8 सालों से प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाते आ रहे हैं और एसके वैली इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जेरियस प्रोजेक्ट करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन शील कल्याण थाने। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख के एसके वैली का काम जोरों शोरों से चल रहा है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए प्लीज दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा का क्रीम कहा जाने वाला इलाका, जिसे क्रीम इलाके की उपाधि दी गई है, एमएम वैली का परिसर, एमएम वैली से सटा हुआ ये कादर पैलेस का इलाका, बीच में सिर्फ एक नाला है। अब ये नाला कई जगहों से घुमाया गया है और घुमाने के बाद ये नाला गुजर रहा है कौसा गांव के रहने वाले गुलबार परिवार की जमीन से। लगभग 107 गुंठा जमीन है ये पूरी। गुलबार परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी भाई हैं, उनमें से परिवार के कई सदस्य हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इस नाले को लेकर के विवाद चल रहा है। आज थाने मनपा के मुमरा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी, इन्होंने खुद आकर के वो पाइपलाइन जो वहाँ रखी हुई है, जिसके विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे, वो यहाँ पर नाले में डाली थी, लेकिन कई तकनीकी गड़बड़ियाँ, कई बहुत सारी आपत्तियाँ और कोर्ट कचहरी के मामलात के चलते खुद गुलबार परिवार ने अंत में इन तमाम पाइपलाइन को जो है, जो इस नाले में डाली गई थी, उसको हटाया है। क्या है पूरा मामला? यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का प्लान पास है, इन्होंने अपनी आगे की ज़मीन भी रईस कुरेशी नामक बिल्डर को डेवलप के लिए दी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसका पूरा TDR जो है, वर्ष 2014 में ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है गुलबार परिवार और रईस कुरेशी बिल्डर के साथ, लेकिन जिसमें बिल्डर ने आधा TDR इस्तेमाल किया, आधा TDR इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसा गुलबार परिवार का कहना है। क्यों करके मनपा ने आज जो पाइप डाले थे वो गुलवार परिवार ने निकाले हैं, उसकी वजह क्या है? आने जाने के लिए, रास्ते के लिए, यहाँ पर लोगों की अक्सर मांग होती है कि यहाँ पर एक रास्ता बना करके दिया जाए। इस नाले के ऊपर जो है, आने जाने का रास्ता नहीं है। बड़ों बूढ़ों को, बच्चों को, बीमारों को, हर तरह के लोगों को इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है। मगर ये ज़मीनी विवाद और इसमें चल रही कोर्ट कचहरी, इसमें बिल्डर और लैंडलॉर्ड, क्या पूरा मामला है? तो सबसे पहले हम मकसूद भाई से बात करेंगे। मकसूद गुलबार हैं, ये कौसा में रहते हैं और ये ज़मीन जो है पूरी इनकी है, उनके ये छोटे भाई भी हैं साथ में, एक और है नईम भाई हैं, नईम गुलबार ये भी हैं, और मकसूद भाई के बेटे हैं कामरान गुलबार साथ में। तो ये पूरा परिवार जो है, लगभग कई सदस्य हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मकसूद भाई, आज मेरी खुद फ़ोन पर धनंजय गोसावी साहब, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनसे बात हुई थी तो वो यहाँ मौजूद थे उस वक्त। फ़ोन पर उन्होंने मुझे बताया था, मैंने किसी और काम के लिए फ़ोन किया था उनको, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर पाइप नहीं डालने दिए जा रहे थे और आज हमने इधर पाइप डाले हैं। और उसके 1.5 घंटे के बाद आपका फ़ोन आया कि आपने, ये ज़मीन हमारी है और हमारे से कोई अनुमति नहीं ली गई है, या तो ज़मीन इस्तेमाल कर रहे थे उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके चलते हमने पाइप निकाल दिए हैं। तो क्या पूरा ये गड़बड़ झाला है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। रईस कुरैशी नाम के बिल्डर को हमने जगह डेवलप करने दिए, जो आगे बिल्डिंग आपको बताई गई, तो उसको TDR भी दिया गया इस ज़मीन में, जितना निकलता उतना। तो उसने TDR पूरा ना लेते हुए आधा TDR छोड़ दिया उसने, और आधे TDR के अंदर जो है, जबकि नईम नाम का छोटा भाई है, उसकी जगह भी उसी के पास में, हाँ, उसके कब्जे में, जहाँ पे उसने बिल्डिंग बनाया, और उसकी जगह उधर है, लेकिन उसको राजी करके उसने इधर रास्ते के अंदर फेंक दिया, जगह इसमें लेने के लिए कहा इसको, नईम को। हाँ, और बिल्डर ने उसने लिया भी तो उसको TDR वक्त पे निकाल के नहीं दिया। अच्छा, समझे क्या? उस वक्त TDR का 2700 रुपये का भाव था, 2500-2700 लगभग भाव था उस वक्त। उसने कम से कम फिकर करके निकाल के देना मांगता था ना TDR, तो आज ये मसला नहीं होता था। तो उसने इतनी लापरवाही किया कि TDR भी निकाल के नहीं दिया। अच्छा, समझे क्या? और आधी ज़मीन ऐसी फेंक दिया, और ये बिल्डिंग को भी जो है आधा TDR के अंदर की जगह है, रास्ते की जगह में दिया है उसको भी, बड़े भाई को भी, समझे क्या? और ये सामने जो है, वाहिद भाई को, हाँ, यहाँ पे कैमरा मारो, ये पूरी जो है ये TDR के, ये 90 फीट के रोड के अंदर बनी रही पूरी कॉलोनी। अच्छा।
और मेरा यहाँ पर ये देखो साढ़े सात, ये पहले से प्रपोज डीपी रोड था यहाँ पर 90 फीट का, और उस पर ये इमारतें बन गई। रोड बनना मांगता हमको इनकार नहीं है, लेकिन हमारे साथ इंसाफ होना मांगता ना, जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन का मुआवजा और इंसाफ होना चाहिए। क्या जो ये भाई को फेंका, ये TDR ले ले हुए और हमको हमारा हक का उसमें शेयर दे दे। नहीं, नहीं, अब मकसूद भाई मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छी पॉइंट वाली और बहुत अच्छे मुद्दे वाली बात कही है। ऑलरेडी जो टाउन प्लानिंग के DP प्लान में, डेवलपमेंट प्लान के अंदर, ये जो DP रोड था उस पर अतिक्रमण तो हो चुका है, बिल्डिंगें तो खड़ी हो चुकी हैं, अब आगे रोड बनाने की जिद क्यों फिर? अब रोड तो है पास, और रोड वो बनना भी चाहिए। नहीं, लेकिन ये बिल्डिंगें जो पहले से बनी है वो कहाँ जाएगी? अब मेरा सवाल यही कहना है कि यहाँ पर भी मेरा 7.5 घंटे का है प्लॉट। अच्छा, तो वो जितना गैप बचेला है वो भी ब्लॉक होता है। अच्छा। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? वो इन्हें प्लॉट है मेरा। अच्छा, समझे क्या? रोड रास्ता तो हाईवे नहीं, बिल्कुल बचा हुआ। अच्छा, तो जब TMC यहाँ काम कर रही थी, सरेंडर हुआ है ये प्लॉट? क्या म्यूनसिपलिटी को सरेंडर हुआ है? किस बेस पे बना रही म्यूनसिपलिटी? तो ये कौन से बिल्डर को आपने दिया है 7.5 घंटा, वो ये हिस्सा, ये कौन से? रईस कुरैशी को ही दिया आप लोग? कुरैशी को दिया है। अच्छा कामरान, तुम बातचीत में काफ़ी टेक्निकल जानकारियां दे रहे थे, क्या कहना इस पूरे मामले को लेकर? जब काम दोपहर में चल रहा था तो तुम लोग जगह पर आए थे क्या? मेरा जगह पर आना, मेरे चाचा के कुछ कॉल करने कुछ देर बाद मैं आया। हाँ। मैं बाहर गया था। हाँ। ये मामला इस तरह से, इन शॉर्ट, कि ज़मीन पूरी डेवलप करने दी गई थी, इंक्लूडिंग TDR। हाँ। और TDR का सिर्फ उसने 2600 स्क्वायर मीटर में यूटिलाइज़ किया है। अच्छा। बाकी TDR में ये चाचा को जो है, नईम चाचा को, और 2019 में उसने सब डिवीजन किया, 2014 का एग्रीमेंट था, तो TDR का वैल्यू पूरा खत्म हो गया। हाँ। तब ऐसा, इसको रोड के अंदर फेंकना भी गैर कानूनी है। अच्छा। जब उसकी तुम्हारे से अंडर में जगह है तो तुम कैसे रास्ते के इसमें उसको फेंक रहे हो? अच्छा। किस कानून में फेंक रहे हो? मैं, मेरा ये जो शेयरिंग के हिसाब से जितना जो प्लॉट है, हाँ, खानदान में जो शेयरिंग के हिसाब से, तो शेयरिंग के हिसाब से जब इनको 10-10 घंटा गया, उसमें 3.5 घंटा DP का गया इनका, और 6.5 घंटा रियल प्लॉट जीनियन। हाँ। समझे, आर जोन का। हाँ। तो मेरा शेयरिंग वही हिसाब से होना मांगता है ना फिर, जबकि मैं एक शेयर होल्डर हूँ, लैंड शेयर होल्डर हूँ मैं अलग से। हाँ। बिल्डिंग जो डेवलप हुई, डेवलपमेंट में शेयर होल्डर नहीं हूँ मैं, लैंड के अंदर मेरा शेयर होल्डिंग है। हाँ। तो मुझे वही हिसाब से मिलना मांगता है ना, मगर मेरे को वही हिसाब से दिया नहीं गया, पूरी नाइंसाफी की गई, और ये जगह खोटा मेरे नाम पे ये जगह दिया, जबकि ये जगह का मैं अपोज किए लाओ। हाँ। और मैंने ऑलरेडी इसमें लेटर म्यूनसिपलिटी में डाला हो क्या भाई? आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, उसके बाद में भी पैसा खिला के म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट से हाई लेवल से पैसा खा के पूरा सेटअप किया लाए, और मेरे साथ में फ्रॉड किया लाए। इसमें ऑलरेडी सब इन्वॉल्व है। कौन सब ये इन्वॉल्व है, इसमें जिम्मेदार सब है। मैं इसके अंदर बहुत से लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ। अच्छा। कामरान, हम कंटिन्यू करते, क्या कहोगे तुम? पूरी टेक्निकल जानकारी दे रहे थे, क्या पूरा मामला? देखिए, ये हमारी फैमिली का प्लॉट है। हाँ। मेरे अब्बा चाचा लोग का, सारी फैमिली का। हाँ। और ये डेवलप करने दिया गया था। हाँ। उसमें दो जो लोगों को डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सेपरेट जगह चाहिए थी। हाँ। अब डेवलपर ने 2019 में इनको TDR में फेंक कर, TDR का वैल्यू खत्म हो चुका था। TDR का इनको कमिटमेंट था कि भाई हम 3-6 महीने में अलग करके देंगे, और वो भी नहीं अलग हुआ 2019 में। अब ये जो TDR का प्लॉट है, ये जो बचा है स्पेस, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सारी डेवलपर की जिम्मेदारी थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। प्रोसीजर कंप्लीट करना था, प्रोसीजर, उसने पावर भी लिया अलग से सेपरेटली। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डायरेक्टली ऐसा कार्रवाई नहीं कर सकती है। बराबर, ये सबमिट नहीं हुआ है, कॉरपोरेशन में सबमिट किया जाता है, उसके बाद अप्रूवल कॉपी आती है, और डेवलपर के पास भी सारी चीज़ें, तो डेवलपर का भी सवाल उठता है कि टाउन प्लानिंग से सारा सब कुछ लीगल कर रहे हैं आप, तो जगह का जो TDR है वो यूटिलाइज होना चाहिए ना पहले। अच्छा। तो क्या नईम भाई का जैसा कहना है कि थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक तरह से दादागिरी कर रही है, ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल तौर पे दादागिरी हो रही है। अच्छा। अगर आपके घर में कोई आता है और आपके घर में अननेसेसरी कोई बुलडोजर चला रहा है, ये बोल के हम कॉरपोरेशन वाले, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, नोटिस नहीं है, सबमिशन का पेपर नहीं है कि भाई आपने सबमिट किया है, तो उस तरह से कुछ भी काम करना बिना कोई नोटिस के, बिना कोई इशू के, आपके पास पेपर नहीं, हमारी ये खानदानी जगह ही है। अच्छा, ये मतलब एज ए लैंडलॉर्ड आप लोगों से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, और बिल्डर से क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, कुछ जानकारी है? मेन रिस्पॉन्सिबल सारा डेवलपर है, बिल्डर है। ये बिल्डर से क्यों नहीं जाके पूछते कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 2014 से दी गई डेवलप करने पूरी प्लॉट की, आपने ये प्लॉट को बाउंड्री भी नहीं मारा है, जो NA प्लॉट है वहाँ से आता है, देखिए
वो कॉर्नर से, और ये 30 मीटर का डीपी रोड है, तो इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। हमारा TDR यूटिलाइज होना चाहिए हमारी जगह में, बराबर। उसके अलावा प्रीमियम की अथॉरिटी कैसे मिल रही है उसको टाउन प्लानिंग से, जबकि प्लान में पूरा TDR रहता है। जब आप एक प्लान अप्रूव करने के लिए डालते हैं VP नंबर के लिए, तो आपके लिए पूरा TDR कॉरपोरेशन देखता है भाई ये TDR यूटिलाइज होगा पहले। तो आपने आधी ज़मीन को काट के 7 बार अलग किए, वो भी 2019 में, 17 में प्लान पास करा रहे आप। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जिम्मेदार असल डेवलपर है इस चीज़ का। और कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन डेवलपर से मांग करे कि भाई ये सारा नहीं, जिम्मेदार मगर इन गड़बड़ियों का जिस तरीके से डेवलपर है, तो उतनी ही कॉरपोरेशन भी, कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है। कॉरपोरेशन क्यों होती है, मकसूद में कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्डर जब के नईम का प्लॉट उसके पास में है, जहाँ पे बिल्डिंग डेवलप कर रहा है, तो उसने इसको किस बेस पे इधर फेंका है? अच्छा। जो कि अनथराइज प्लॉट थे, जो जो इस रोड के अंदर चला गया वो, उसके अंदर कैसे क्या फेंक सकता है वो? अच्छा। किस बेस पे फेंका है? तो उसने गैर कानूनी काम नहीं किया क्या? उनके पास कोई अप्रूवल लेटर नहीं है, जिम्मेदार कौन है फिर? अच्छा, ये जबरन जबरन जो है यहाँ पर, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, नईम भाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई मुझको बाहर देके चलेगा, तो उसके साथ नाइंसाफी क्यों की गई? नहीं, अब वो तो कह रहे एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, ऑब्जेक्शन डाला हूँ। हाँ, उसने नहीं दिया गया तो उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ। तो नहीं, वो मैं लैंड ओनर हूँ, TDR ओनर, अगर मेरी फैमिली भी बोलती तो ये नंगा झूठ बोलते। सुनो, मैं लैंड ओनर हूँ, मेरी बात समझे। TDR का जो है उस वक्त, उस वक्त डेवलपर ने इनको बोला था कि आप जो है TDR में प्लान बैठ नहीं रहा है, आपको TDR हम अलग करके दे देंगे, उस वक्त रेट था तो ठीक है। बट 2019 में तुमने सेपरेट किया प्लॉट, 2014 में TDR का 27-28 समथिंग रेट था, आज TDR पूरा कोलैप्स हो गया है, बराबर है? मार्केट में TDR अवेलेबल है, बराबर है? बहुत सारा, तो TDR लेकर आज क्या करेंगे? नो वैल्यू है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए ये पूरा गड़बड़ झाला, अब यहाँ पर यहाँ पर जो रास्ता जो है DP रोड जो था, उस पर ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी चुकी है, ये इतना ही एक टुकड़ा बचा हुआ है 20, है ना, MM वैली के वो रोड से लेके यहाँ तक का। एक मिनट, तो ये अब रोड बनेगा कैसे? रोड बनेगा कैसे? बिल्डर ने उसको क्लियर करना है नहीं ना, जैसे नईम भाई कह रहे रोड का ऑप्शन नहीं है, तो ये दबंगई, ये दादागिरी फिर म्यूनसिपालिटी क्यों बता रही है? किसकी, किसके इशारे पर? हाँ, म्यूनसिपालिटी अपनी मनमानी कर रही है। अच्छा, उसके बावजूद भी हम कोऑपरेट करेंगे। बहुत जो भी है पॉलिटिक्स में, अभी एज प्रेजेंट जो भी है मुमरा के अंदर, मुमरा में कौन सी पार्टी है, कौन है, सबको मालूम है। रफीक भाई, हम कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारे साथ भी तो कोऑपरेट इंसाफ होना चाहिए ना, बराबर। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। जमीन मालिक होने के नाते जो आपके 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 जो राइट्स है वो मिलने चाहिए ना, बिल्डर कर रहा है ना, म्यूनसिपालिटी उसको छेड़ने जा रही है कि भाई तुमने ये सब गड़बड़ करके रखा है। चीजों का इन शॉर्ट रिस्पॉन्सिबल है डेवलपर, डेवलपर के पास कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ने जाना चाहिए सारे सवाल डेवलपर के पास। म्यूनसिपालिटी का रोड का मामला है खाली, और रोड हमने सरेंडर किया नहीं तो कैसे बना सकती है? बराबर, अब वो रोड बना दिए तो हमारा सॉल्यूशन को, हमारा वैल्यू खत्म हो जाता है।